वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त आप टॉक शो देख रहे हैं हमारा। और आज के टॉक शो में हम वुमेन एम्पावरमेंट एंड एजुकेशन के सिलसिले में बातचीत कर रहे हैं कि औरतों को, ख़वातीन को किस तरीके से ना बाख्तियार और ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया जा सकता है। हमारी दोनों मेहमान ने गिरामी डॉक्टर वरेंद्र कौर साहबा, जो कि इंडिया से तशरीफ़ लाई हैं, और हमारी लोकल टोरंटो की बासी और एक्टिविस्ट डॉली कुरैशी इस सिलसिले में काफ़ी बातचीत कर चुकी हैं। आपने देखा होगा नाज़रीन के इन दोनों ख़वातीन ने एक बात का नतीजा इस बात का ये निकाला कि इस चीज़ को कैसे ख़त्म किया जाए, किस वजह से ये मतलब रुकावटें खड़ी की जा रही हैं औरतों की तालीम के लिए और उनको बाख्तियार करने के लिए। तो इन दोनों ने कहा कि लैक ऑफ एजुकेशन। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, सबसे पहले डॉक्टर साहबा, जब आप कहती हैं कि लैक ऑफ एजुकेशन, तो इस लैक ऑफ एजुकेशन के ज़िम्मेदार कौन हैं? वालदेन, या ये कि हमारे जो लीडर हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, वो इसकी ज़िम्मेदार है? हाँ, अगर मैं भारत या पंजाब की बात करती हूँ तो उसमें जैसे हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि 70% जो हमारी पॉपुलेशन है वो खेतीबाड़ी करती है, काश्तकारी करती है, और एक पैट्रियार्कल सोसाइटी चले आ रही है, पिता पुरखी जिसको हम लोग बोलते हैं, और वो सोसाइटी में बहुत सारे डिसीजंस जो हैं वो औरत को लेने का हक नहीं है। इसलिए बच्ची को, घर में अगर बच्ची पैदा हो गई है तो उसको एजुकेट करना है या नहीं करना है, इसका डिसीजन औरत बहुत कम कर पाती है, और ये आपका मुआशरा तय करता है, और उसमें एजुकेशन पॉलिसी आपकी स्टेट की क्या है, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें मैटर करती है। मगर इंटरप्ट करूंगा मैं आपको एक सेकंड, आपने कहा था कि हमारे दोनों मुल्कों में, पाकिस्तान में भी इंडिया में भी 70% आबादी जो है ना, लोग जो है ना वो काश्तकारी करते हैं, गांव देहातों में रहते हैं, लेकिन उसके ज़िम्मेदार हुकूमत नहीं होती, फेडरल गवर्नमेंट नहीं, उनके ज़िम्मेदार होते हैं जो उसके जो ज़िम्मेदार होते हैं, जो उनके मालिक होते हैं, वडेरे होते हैं, वो होते हैं। इन एनी केस, अगर किसी भी मुआशरे में काश्तकारी करी भी जाती है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि वहाँ की जो आधी पॉपुलेशन है, अगर वो आधी है तो, या जितनी भी है, उसको एजुकेट करना ज़रूरी है। अगर आज के ज़माने की अगर हम बात करें, अगर हम कनाडा की एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे जो एग्रीकल्चरल पॉलिसी है या जिस तरीके से मशीनी वो हो रही है, तो वो हमें भी इम्प्रूव करनी चाहिए, जितने भी एशियन मुल्क हैं, और ख़ास करके हमारा। मैं इंटरप्ट करूँगा कि कनाडा की आप मिसाल दे रही हैं, तो यहाँ भी ये है कि हाई स्कूल लाजमी है सबके लिए। आप किसी भी फील्ड में जाना चाहें, आप काश्तकार फार्मर बनना चाहते हैं, तो भी आपको हाई स्कूल करना ज़रूरी है। जी, यही हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, इंडिया में ऐसा नहीं है। यही कहना चाह रही थी कि अगर कोई भी ऑक्यूपेशन, तो कोई भी हो सकता है हमारे ज़िंदगी के लिए, जीने के लिए, हम लोग क्या, हमारे फोर फादर्स क्या करते आए हैं, किस ऑक्यूपेशन में थे, अगर काश्तकारी भी करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी लड़कियों को, हमारी बच्चियों को एजुकेट नहीं करना चाहिए। तो इसके जिम्मेदार भी मतलब फेडरल और वो प्रोविंस के गवर्नमेंट हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस टाइम पंजाब में जो एजुकेशन सीन है उसमें ये है कि बच्चियों के लिए जो एजुकेशन है वो कंपल्सरी, स्कूलिंग तो कंपल्सरी है ही है सबके लिए। और दूसरा मैं बता दूं कि इस टाइम मैं नो, कंपल्सरी और पेपर्स है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती गवर्नमेंट, ये फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। जी जी, उन्होंने लिख के कानून बना दिया कंपल्सरी है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आपके चैनल के हवाले से यही बात हम करना चाह रहे हैं कि पॉलिसीज पेपर्स में बनती हैं, राइट, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन समाज में होनी है, मुआशरे में होनी है। अगर कोई भी गवर्नमेंट अगर आके वो पॉलिसी बना देती है कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे, चाहे वो लड़की है या लड़का है, लेकिन जब तक माँ बाप नहीं चाहते हैं, जब तक अगर उस फैमिली, अगर वो जॉइंट फैमिली है, उसमें दादा दादी हैं या नाना नानी है, वो अगर जब तक सपोर्ट नहीं करते हैं, और आपके वालिद और आपकी वालिदा सपोर्ट नहीं करती हैं, आपके बच्चा घर से निकल आया पढ़ने के लिए आ गया, अब सिक्योरिटी देना तो फिर स्टेट गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है और मुआशरे की भी जिम्मेदारी है। और आज अगर हम इतनी, अगर बच्चियां पढ़ने के लिए निकली हैं घर से, तो उनको सिक्योरिटी नहीं मिल रही है,
जिसकी वजह से माँ बाप, ये एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से पढ़े लिखे माँ बाप भी अपनी अपने घर में बच्चियों को जन्म देने से कतराने लग गए हैं जी। ये बहुत बड़ा मसला है आज हमारे सामने कि अगर 21वीं शताब्दी में 21st सेंचुरी में अगर ये सोच है हमारी, घर से अगर हम बच्चे को, लड़का या लड़की, बेटा है या बेटी है, तो एक इक्वल एजुकेट करके नहीं भेजते हैं, उनको सिविल नॉर्म्स नहीं सिखाते हैं घर से, बाहर मुआशरे में कैसे उसने बिहेव करना है, अगर बाहर जाके बच्चों के लिए सिक्योरिटी नहीं मिलती है, तो ये हालात जो है ऐसे ही रहेंगे, बदतर हो सकते हैं सुधरने की बजाय। डॉली आप बताएं कि पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, क्या वहाँ पर कनाडा की तरह ज़रूरी है, पाबंदी है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कि बच्चा कम अज़ कम मैट्रिक ज़रूर पास करेगा, ऐसा है क्या? सिर्फ पेपर वर्क की हद तक है। पाकिस्तान में ऐसा है कि मैंने पर्सनली यह देखा, जो एक तो इसको हम इंडिविजुअली घरों की हद तक भी हम किसी हद तक बात कर सकते हैं, लेकिन इन माई पॉइंट ऑफ व्यू मैं ये समझती हूँ कि इसके ज़्यादा ज़िम्मेदार जो हैं वो हमारे हुक्मरान हैं, क्योंकि हुक्मरान जब उन्होंने इलेक्शन करवाने होते हैं, उन्होंने आना होता है, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और उसके बाद आप उन्हीं हुक्मरानों को देखें जो यहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल्स भी बना रहे हैं, जो अच्छी सड़कें भी बना रहे हैं, लेकिन जब उन्हें अपना ही इलाज करवाना है तो उन्हें पाकिस्तान में अच्छा हॉस्पिटल भी नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने वोट लेने होते हैं, वोट लेते हुए वो जाकर लोगों को बात कर रहे होते हैं कि हम आपको लैपटॉप देंगे, हमें वोट दे दो। जब ये ऐसी कुछ दो पार्टीज हमारे पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हो गई हैं, जिसकी वजह से हमारा पाकिस्तान जो है, मुझे ऐसे लगता है कि 20वीं सदी 19वीं सदी से भी पीछे चला गया है। और अब जैसे कि इलेक्शन भी करीब आ रहे हैं, तो मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक दफ़ा तब्दीली लेकर आएँ, तब्दीली को चांस दें, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एक नई पार्टी, उभरती हुई पार्टी है, उसको आप लोग चांस दें जो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के ऊपर ज़ोर दे रही है। और यहाँ जैसे बाहर के मुल्कों में हम देखते हैं कि जो हुक्मरान का बच्चा पढ़ रहा है, वही एक गैस स्टेशन पर काम करने वाले का बच्चा पढ़ रहा है, वही एक गार्बेज उठाने वाले का बच्चा पढ़ रहा है, वही एक ग्रोसरी स्टोर पर काम करने वाले का बच्चा पढ़ रहा है। तालीम का टोटल स्टैंडर्ड एक है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात है कि ये चीज़ ही हुक्मरानों ने नहीं की। तालीम का इतना फ़र्क डाला हुआ है तमाम इदारों के ऊपर, पिछले तमाम जो दो पार्टीज थी बड़ी पार्टीज, उन्होंने तमाम इदारों के ऊपर अपनी इजारादारी की है। सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए कि तमाम इदारों से करप्ट लोगों को निकालें, उनका एहतसाब करें, मुल्क से लूटा हुआ पैसा जो किया है उसको वापस लेकर आएँ, और तमाम गलत लोगों को जो है सजा दें, जेल में लेकर जाएँ। और पर्सनली मेरी रिक्वेस्ट है कि एक नई पार्टी को चांस दें, जैसा कि जो वो पार्टी एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रही है, बहुत ही ज़्यादा। और बहुत से लोग हैं, जब उनको एक सूबाई हुकूमत मिली थी तो उन ऐसी एग्जांपल्स हैं जो बिल्कुल पेपर वर्क में आई हैं कि लोग प्राइवेट स्कूलों से अपने बच्चे निकाल कर गवर्नमेंट स्कूलों तक लेकर गए हैं। ये उस पार्टी ने एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा किया है। और हम देख रहे हैं नाज़रीन कि मैं अपने पिछले प्रोग्रामों में भी ये बात कहता आ रहा हूँ, और ये कि मैं इस वक्त फिर भी दोहराना चाहूँगा, चूँकि इस वक्त यही बात हो रही है, लैक ऑफ एजुकेशन की बात हो रही है। आपको याद होगा इससे पहले मैं ये बात कर चुका हूँ, और आप लोग जैसे देख रहे हैं मैं इस वक्त पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, कि पाकिस्तान में हर रोज़ गाड़ियों के हादसात होते हैं, ड्राइवर जो है ना नशे की हालत में या जहालत की वजह से या ये कि उसमें जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता, वो भरी गाड़ी को जाके दूसरी गाड़ी से टकरा देता है, रेसिंग करता है, और ये कि जो बड़ी गाड़ियों के ड्राइवर होते हैं, ट्रैक्टर ट्रेलर के ड्राइवर होते हैं, तो वो तो और भी ज़्यादा उनकी हालत ख़राब होती है। इसके लिए हमने यही कहा था कि ये पाबंदी लगाई जाए पूरे पाकिस्तान में कि किसी को भी कमर्शियल ड्राइविंग का लाइसेंस नहीं मिलेगा जब तक कि वो हाई स्कूल पास करना चुका हो, मैट्रिक पास होना बहुत ज़रूरी लगा दें। आपको मैट्रिक पास अरबों करोड़ों लोग आपको मिल जाएंगे, लाखों लोग मिल जाएंगे जो कि बेरोज़गार बैठे हुए मैट्रिक पास हैं, तो उनको ड्राइवर्स लाइसेंस दीजिए, उनकी ट्रेनिंग कीजिए, उनसे कमर्शियल व्हीकल्स की ड्राइविंग करवाइए ताकि हम इन एक्सीडेंट से बचें। आप देखते हैं रोज़ाना हादसात होते हैं कि ड्राइवर जो है अपनी लॉरी में, अपनी अपनी वैन में, अपनी बड़ी गाड़ी में बारात लेकर जा रहा है और जाकर ट्रैक्टर से टकरा देता है,
और ये देखता है कि अगर ट्रेन भी गुजरने वाली होती है तो इससे पहले कि ट्रेन पहुंचे उससे पहले उसको पार करने ट्रैक को रेलवे की पटरी को पार करने की कोशिश करता है। बड़ी गाड़ियों के ट्रक ड्राइवर्स को देखें कितना अंधाधुन चलाते हैं, रेसिंग करते हैं, नशे की हालत में चलाते हैं, ड्रग्स लेते हैं। इसकी रोकथाम के लिए क्या ज़रूरी, क्या आपको मैट्रिक पास लोग नहीं मिलेंगे? वो लोग जो कि बेचारे मजदूरी कर रहे हैं मैट्रिक पास करके और पछता रहे हैं हमने क्यों इतना टाइम ज़ाया किया पढ़ने लिखने में। हम बगैर पढ़े लिखे भी ये काम करना था तो बगैर पढ़े लिखे भी कर सकते थे, लेकिन तालीम इंसान को सेंस देती है। लिहाजा ज़रूरी है कि हमें तालीम पर जोर देना चाहिए। जैसा कि डॉली कह रही थी कि अब लोग इस बात का चर्चा कर रहे हैं, मुख्तलिफ पार्टी के लोग एक पार्टी ख़ास तौर पर इस बात को कह रही है कि हम उनका मेज से भी बेसिक जो टारगेट होगा बुनियादी चीज़ होगी वो तालीम होगी, एजुकेशन होगी। आप क्या कहती हैं डॉक्टर साहब इस सिलसिले में? ये बहुत ज़रूरी बात है हमारे लिए, ये मुद्दा बहुत ज़रूरी है कि आज तक मुझे लग रहा है कि इलेक्शंस में, जैसे आप तालीम की बात कर रहे हैं, आपने ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से ये बात करी है, इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से बात करी है। बात ये है कि जो मौजू लेके हम लोग चले हैं, जो आज का हमारा सब्जेक्ट है, अगर उस पर हम दोबारा आ जाएं तो वो ये है कि कभी हम लोगों ने ये सोचा ही नहीं है, जब किसी भी पार्टी का, जब इलेक्शंस आते हैं तो किसी भी पार्टी का जो मैनिफेस्टो बनता है उसमें कभी भी शायद किसी भी पार्टी ने वेमेन एम्पावरमेंट की बात कही नहीं है। हाँ, वेमेन सिक्योरिटी की बात कभी कभार आती है लेकिन कोई ध्यान नहीं देता इसकी तरफ। स्कूल कॉलेजेस खुले हुए हैं लेकिन उसमें जो एजुकेशन लेने के लिए बच्ची ने आना है उसके बारे में माँ बाप उसको भेजना उनका ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़रूरी है कि आप इसके बारे में बात करें कि हमारे हमें मुआशरा चाहिए कैसा, हमें मुआशरा अपना बैलेंस चाहिए। जैसे एनवायरनमेंट की अगर हम लोग बात कर लें, इतना इम्बैलेंस है एम्पावरमेंट, अगर इसमें देख ले पॉल्यूशन है या नॉइज़ पॉल्यूशन है या एयर पॉल्यूशन है, तो मुझे लग रहा है जुल्फी साहब कि ये तीन पॉल्यूशन से सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारी ज़हनियत की पॉल्यूशन है। हमारे दिमाग में इतना पॉल्यूशन घुसा हुआ है कि अगर बच्ची को तालीम लेनी है, अगर घर से बाहर जाएगी तो उसमें बहुत सारी जो है नज़रें गड़ी हुई हैं, कैसे जाती है, कैसे आती है, क्या पहनती है। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो मुल्क हैं उनमें ये बात चली है कि इसको ये ड्रेस पहननी चाहिए, इसको ये ड्रेस नहीं पहननी चाहिए। ये डिसाइड करने वाला बाहर या मुआशरा कैसे हो गया? ये तो घर में तालीम देने वाली चीज़ें हैं, ये बच्ची पे डिपेंड करता है, माँ बाप उसको कैसी तालीम दे रहे हैं और उसने क्या पहनना है ये बच्ची ने पढ़ लिख के खुद भी डिसाइड करना है। मगर यहाँ एज ए लाइटर वे मैं एक बात अर्ज करूँ आपसे, अगर ऐसी बात है तो हमारे यहाँ जो मुहावरा है ना, आपने भी सुना होगा, डॉली ने भी सुना होगा कि खाओ मन भाता और पहनो जग भाता। बिल्कुल, तो ऐसा क्यों कहते हैं? वो ठीक बात है आपकी सुल्फी साहब, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे मुआशरे में, ऐसे से बहुत सारे फ्रेजेस हैं जिन पे आजकल हमारा मुआशरा बिल्कुल भी, ये सबके लिए है। अगर खाना अपने मन की बात कर रहे हैं हम लोग कि वो खाना चाहिए जो अपने मन को अच्छा लगता है और वो पहनना चाहिए जो सबको अच्छा लगता है मुआशरे में, तो ये सब पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ लड़कियों पे और सिर्फ जो औरतें हैं उनको हम ये गाइड करें कि उन्होंने ये पहनना है या उनको ऐसे चलना चाहिए, उनकी चाल ऐसी होनी चाहिए, उनका मेकअप ऐसा होना चाहिए, उनका रख रखाव ऐसा होना चाहिए। ये लड़कों के लिए भी है। अगर आज रेप हो रहे हैं सोसाइटी में तो कौन कर रहा है? ये औरत का रेप तो नहीं कर रही है ना, उसमें तो मुआशरे में माशाल्लाह मर्द भी आगे हैं, मर्द ही हैं जो इसको अंजाम दे रहे हैं। मैं एक बात और कहूं आपसे, इसी से रिलेटेड, यू कैन नॉट जनरलाइज इट, बट नो, आई एम नॉट जनरलाइजिंग, हां, वी शुड नॉट जनरलाइज इट, लेकिन सिर्फ मेरा मुद्दा ये था, जैसे आपने फ्रेज सुनाया उसमें मुद्दा सिर्फ ये है कि जैसे हमें घरों में देखना पड़ेगा कि हम लोग अपने बच्चे को कैसी तालीम दे रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी लड़कियां पढ़ें, हमारी औरतें घर से बाहर जाएं, काम करें, सोसाइटी के लिए इक्वली जो है कंट्रीब्यूट करें,
तो उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने लड़के को, अपने बेटे को भी उतना ही एजुकेट करके घर से निकालना चाहिए कि उसको समाज में कैसे डील करना है, उसको औरत को या अपनी बहन को या अपनी पत्नी को और अपनी मदर को किस तरह से एक बिहेवियर देना है, कैसे फ्रेंडली होना है अपने वहाँ पे जाके जहाँ पे एजुकेशन हम लोग लेने जा रहे हैं। अभी मेरे पास एक गर्ल्स कॉलेज है और मैं बता दूं जुल्फी साहब, वहाँ पे 1200 बच्चियाँ पढ़ती हैं मेरे पास, और ये एक ऐसा एरिया है जो हायर एजुकेशनली बैकवर्ड एरिया है जिसमें पहले लड़कियों के लिए घर से निकलना मुनासिब नहीं था और एक फाइनेंशियली भी वो लोग बहुत ज़्यादा साउंड नहीं है। लेकिन अगर फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन स्कूल तक है लड़कियों के लिए और फिर उसके बाद कॉलेज में आने वाली लड़कियों के लिए बहुत सारे ना के बराबर फीस रखी हुई है हमने अगर पूरे साल में, तो बच्ची को घर से मोटिवेशन मिलनी चाहिए पढ़ने के लिए आने के लिए। और फिर वो बच्चियाँ माशाल्लाह कभी उनको बस में भी ट्रेवल करना पड़ता है, उनको रोड पे सड़क पे चलना पड़ता है, उनको साइकिल चलाना पड़ता है, तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स को वो रोज़ मेरे पास ऐसी आती हैं, क्योंकि फिर हमें पुलिस भी डिप्यूट करनी पड़ती है, औरत कॉन्स्टेबल्स हैं उनको उनकी ड्यूटी भी रिक्वेस्ट करके लगवाते हैं हम लोग, ताकि इन लड़कियों को अगर वो बस से उतरती हैं कॉलेज तक आना है तो इतने से रास्ते में भी उनको कोई प्रॉब्लम ना आनी देखनी पड़े। और उसके लिए ज़रूरी है कि सारा मुआशरा पढ़ा लिखा और समझदार होना ज़रूरी है। नाज़रीन, जैसा कि हम देख रहे हैं कि डॉक्टर साहबा यकीन अन्ना इंडियन माशरे की बात कर रही हैं इस वक्त, और जो अब तक बातें हुई हैं यकीनन वो इंडियन और पाकिस्तानी माशरे की बातें हुई, लेकिन डॉली मेरा आपसे सवाल ये है, हम लोग जो हैं इस वक्त यहाँ मगरबी वेस्टर्न माशरे में रह रहे हैं, ठीक है ना, वेस्टर्न लोगों के साथ हम रह रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि अगर हम हमारे बड़े हमारे पेरेंट्स अपनी बेटी से ये चाहेंगे कि कनाडा में रह के या अमेरिका में रह के या इंग्लैंड में रह के या यूरोप में कहीं भी रह के वो शटल कॉक या नकाब वाला बुरका या बिल्कुल ओढ़ लपेट के चादर ओढ़ के बाहर निकले, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ की औरतें जो होती हैं, मकामी औरतें जो होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, है ना, वो तो एक तरह से मतलब गर्मियों में किस हालत में होती हैं सब हम सब लोग देखते हैं, और उनकी तरफ कोई निगाह उठा के भी नहीं देखता, क्योंकि वो पूरे कपड़े नहीं पहने होते, इसके बावजूद ना कोई भी यहाँ का शख्स उनको एक नज़र तो बेशक देख लेगा लेकिन दूसरी नज़र नहीं डालते। लेकिन उनके मुकाबले पे अगर हमारे पाकिस्तान और इंडिया की औरतें है ना और लपेट के निकलेंगी तो यकीनन लोग उनको हैरानगी से देखेंगे कि इसके अंदर कौन क्या कौन वजूद है, क्या चीज़ है। तो इस मौके पर हमें कुछ इसमें नरमी नहीं लानी चाहिए अपने बच्चों के लिए? जी बिल्कुल लानी चाहिए, और ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा। जब मैं यहाँ पर बड़े स्टार्ट में आई थी तो मैं एक ऐसी फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ गो कि मेरे जो वालदैन की साइड है वो इतना बुरके वाली तो नहीं थी, मगर मेरे लॉज की साइड बुरके वाली थी, तो लेकिन वालदैन की जो साइड है वहाँ पर लेडीज़ का इतना जॉब की तरफ निकलने का रुझान नहीं था, मतलब वही लेडीज़ अंदर ही रहें, बस उनकी ज़िंदगी चूल्हे तक ही रहे, किचन, और अगर बच्ची छोटी है तो बड़े बहन भाइयों को देखे, अगर बड़ी है तो छोटों को देखे, छोटी या बड़ी बहन अगर उसकी शादीशुदा हो चुकी है उसके बच्चों को पाले। और जो मेरे इन लॉज की थी लाइफ वो ऐसी है कि औरतें बुरके के बग़ैर बाहर ना निकलें। तो मैं जब यहाँ पर आई और यहाँ के मुताबिक जैसे आपका क्वेश्चन हो रहा है, तो मैंने स्टार्ट में मैं बुरके के साथ उतरी थी यहाँ पर एयरपोर्ट पर, तो ये बुरका जो था वो मुझे मेरे इन लॉज ने पहनाया था, शादी से पहले मैं बुरका नहीं पहनती थी। तो बात यह है कि अगर हम इसको बिंगा इस्लाम अगर जाना चाहें तो मेरा ख्याल है कि चीज़ वो होनी चाहिए, या तो आप अपने दिल से इसको अडॉप्ट करें, अगर आपने किसी के कहने पर किया तो वो तो इतना टाइम ही चलेगी, साल डेढ़ साल दो साल, आपको जैसे ही मौका मिलेगा आप उसको हटा देंगे। तो जब मैं यहाँ पर आई, जब मैं एयरपोर्ट पर उतरी तो मैं बुरके के साथ उतरी थी, मैंने बुरका पहना हुआ था। इसके बाद फैमिली सेटअप में भी मतलब जब यहाँ फैमिली स्टार्ट की है तो बुरके के साथ ही मैं बाहर एक दो मरतबा निकली, फिर हस्बैंड के फैमिली फ्रेंड से हम लोग वहाँ पर गए तो उन लोगों ने कहा इनको कि मंसूर साहब अगर आपने इनको बुरका पहनाया, जैसा कि अभी सर जुल्फी ने यह पॉइंट उठाया कि लोग उसको ज़्यादा देखेंगे, तो वही बातें वहाँ फैमिली फ्रेंड्स भी यही बातें कर रहे थे कि जब आप यहाँ पर एक बिल्कुल डिफरेंट लिबास पहन कर बाहर निकलते हैं तो आपको ही लोगों ने ज़्यादा मुड़ कर देखना है। तो उन सब ने जिस वक्त कहा
तो मेरे अपने हस्बैंड की च्वाइस, उनकी इजाज़त थी कि अच्छा बुरका छोड़ दो, फिर बुरका छोड़ा फर्स्ट स्टेप पर, फिर कमीज़ सलवार दुपट्टा था, फिर हस्बैंड की इजाज़त पैंट शर्ट की तरफ आई है। तो ये सारी चीज़ें जो थी मैंने हस्बैंड की इजाज़त के साथ की। लेकिन माशरती लेवल के ऊपर जैसे बात आ रही है, अब मैं ये मैसेज यही देना चाहूँगी कि जैसे अभी एग्जाम्पल भी हुई थी कि खाओ मन भाता और पहनो जग जग भाता, तो उसका मतलब ये नहीं है कि लोग आपको क्रिटिसाइज़ करें। जग भाता से मुराद ये है कि जैसा आप रह रहे हो जिस जगह पर, उसके मुताबिक रीजनेबल ड्रेस में, जैसा देश वैसा भेष, रीजनेबल ड्रेस में आप आएँ। और यहाँ के मुताबिक ज़रूरी नहीं कि आप एक वाहियात ड्रेस को अडॉप्ट करें। पेंट शर्ट जो है वो वाहियात नहीं है, उसमें बहुत सारी काइंड है। शर्ट्स आपकी काफ़ी लंबी भी हो सकती हैं, आपकी नीज तक भी हो सकती हैं, तो ये आप पर डिपेंड करता है। तो आप यहाँ के मुताबिक अगर ड्रेसिंग करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई हरज है। और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी लेडी अगर वो निकलती है तो उसको कोई पलट पलट कर देखेगा। प्लस जैसे कि अभी डॉक्टर साहिबा ने एक बात कही कि हमारे जो मेंटली पोल्यूशन है, मैं इस चीज़ पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि हमारे माशरा जो पाकिस्तानी पीपल्स हैं, एशियन कंट्रीज़ के पीपल्स हैं, वो यहाँ पर आकर भी वैसी ही जहनीत रख रहे हैं। आई एम सॉरी टू से, मेंटली सिक हैं। लेट्स सपोज के मेरे साथ एक क्वेश्चन हुआ, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, और मेरे साथ एक क्वेश्चन हुआ कि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं था जहाँ पर औरतें जॉब भी नहीं करती थी, और आपने सोशल मीडिया अडॉप्ट कर लिया, तो आपको इस चीज़ पर प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कहा ऑफ कोर्स मुझे प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हम लोग खुद अपने, हमने अपने जहनों में एक चीज़ डाल दी है, एक लेबल लगा दी है, जो सोशल मीडिया पे औरत आ रही है उसको टैग कर दो कि वो गंदी दुनिया में चली गई, वो एक गंदी औरत है और वो गंदगी कर रही है। ये हमने खुद एक टैग लगा दिया। आपको क्या पता वो औरत कैमरे के सामने आकर, वो सोशल मीडिया पर जाकर, वो लोगों के बीच में जाकर अच्छा पैगाम दे रही हो, अपनी कल्चर को प्रेजेंट कर रही हो। जब से मैंने सोशल एक्टिविस्ट के को ज्वाइन किया और मैं इस चीज़ में आई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 95% रिजल्ट मेरे पास पॉजिटिव आया। लोगों ने इज़्ज़त की निगाह से देखा। ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं जो मैं खुद ज़ाती तौर पर नहीं सुन रही हूँ, और वो अथेंटिक कमेंट्स कि ये लड़की फैमिली वाली है। तो ऑफ कोर्स कि मेरा काम देखते हुए, अब अगर मैं बाहर जाकर गलत काम करती हूँ तो लोग कैसे ये बात कहेंगे, जबकि लोगों ने ये बातें कही कि लड़की बहुत अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती है। तो ये हम लोगों ने अपनी एक ज़ाती तौर पे मेंटल अप्रोच बना ली हुई है कि जो औरत बाहर निकलेगी उसको कहना ही गंदा है। वरेंद्र, हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब जा रहे हैं, हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है। तो आखिर में मैं चाहूँगा, जैसा कि आप दोनों की गुफ्तगू से मुझे अंदाज़ा हुआ और मुझे भी मालूम है कि ना, कि जो कुछ रुकावटें हैं, आपने कहा कि एजुकेशन की रुकावटें हैं, है ना, लैक ऑफ एजुकेशन है, तो और ये भी हमने देखा कि इसमें जो बैरियर हैं वो एक्चुअली ना ये फेडरल गवर्नमेंट की नाअहली है, उनको तवज्जो नहीं देते, वो दूसरे आप हलवे मांडों में लगे हुए हैं, लूट मार में लगे हुए हैं, वो जो पैसा जो है ना एजुकेशन पर खर्च करना नहीं चाहते, ताकि वो करप्ट उसका करप्शन करके बाहर के मुल्कों में उसको मुंतकिल कर दें, भेज दें। तो आप ये बताइए कि इस शक्ल में अब एक ही राह रह जाती है कि हमें ना औरतों की पर्सनालिटी को मोटिवेट करना है, उनको डेवलपमेंट चाहिए, उसकी ना डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि इस सिलसिले में, आप चूँकि टीचर भी हैं, आप माशाल्लाह लेक्चरर हैं, आप प्रिंसिपल हैं, आप लोगों का ताल्लुक आपका रहता है, तो आप औरतों को, लड़कियों को कैसे मोटिवेट करेंगी कि उनको, अगर उनको बैरियर है उनकी तालीम हासिल करने में, तो दूसरे तरीके से कैसे अपनी इम्प्रूवमेंट ला सकती हैं अपने पर्सनालिटी में? हाँ, इसमें मेरी तो एक रिक्वेस्ट है उन सब पेरेंट्स से, उन सब माँ बाप से, कि अपनी बच्चियों को ज़रूर पढ़ाएं। और दूसरा ये है कि वो लड़कियां तालीम लेके, जैसे कुछ शंके हैं सोसाइटी में, जैसे कुछ उन पर जैसे तंस कसा जा सकता है या जा रहा है, तो मैं बताना चाहूँगी कि 26 साल से तो एजुकेशन में हूँ मैं, और तकरीबन 21 साल हो गए मुझे मीडिया के साथ काम करते हुए, कैमरे को फेस करते हुए, और उस परमात्मा की दुआ से अभी ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई मुझे। और अगर आपकी तालीम ही यही है कि आपने, अगर कोई प्रॉब्लम आती है सोसाइटी में आपको, तो आपने कैसे हैंडल करना है, मेन मुद्दा एजुकेशन का यही है। वो चाहे आपके आपका मुआशरा है,
वो चाहे आपका कोई रिलीजियस, अगर रिलीजन कुछ पॉइंट ऑफ व्यू आपके रास्ते में आ रहा है तरक्की में, या आपकी सोसाइटी आ रही है, या आपको कोई गलत नज़र से देख रहा है, तो इन सब को हैंडल करने के लिए इन लॉजिकली आपको इतना इल्म होना चाहिए, आपको इतनी एजुकेशन होनी चाहिए कि आपने इन सब से कैसे डील करना है. और ये एजुकेशन सिर्फ कहने की बात नहीं है, एक कॉन्फिडेंस लेवल आप में पैदा होता है. आप बड़े शौर के साथ अपने माँ बाप का नाम भी तो रोशन करते हैं और साथ में अपना एक मुकाम बनाते हैं माशरे में. ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन. फाकिया, आप क्या कहती हैं इस सिलसिले में? सेम थिंग कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और इसकी बुनियाद घर से स्टार्ट होनी चाहिए, जिसमें मैं एक खूबसूरत एग्जांपल देते हुए जो है अपनी बात को एंड करूँगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जोजा थी हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला, ये रूए ज़मीन की सबसे बड़ी फुकहा थी और बिंगा लेडी हमारे पास उनकी एग्जांपल है. यहाँ से आप देखें कि वुमेन एम्पावरमेंट की मेरा ख्याल है कि सबसे खूबसूरत एग्जांपल. और जो एग्जांपल मैं दे रही हूँ उसमें फिर यही बात कि वो रूए ज़मीन की अगर सबसे बड़ी फुकहा थी तो इसका मतलब है कि एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है. ये तब से ये बात है और सिंपल इज़ दैट कि हमें अपने बच्चियों को जो है वो ज़रूर एजुकेट करना चाहिए, क्योंकि बच्चियों के साथ आगे सारा माशरा डिवेल्प होता है. और प्लीज़ इस चीज़ को नेगेटिव मत लेकर जाएं, वुमेन एम्पावरमेंट को औरत की गलत आज़ादी की तरफ मत लेकर जाएं. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, डॉक्टर बरेंद्र कौर साहिबा और डॉली कुरैशी साहिबा. आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया इतने अहम मौजू पर बातचीत करने के लिए. नाज़रीन, इस सिलसिले में आपके जहन में कोई बात हो, कोई सवाल हो, हमें आप फ़ोन करके बताइए ताकि इन ख़वातीन को फिर बुलाया जाए और उस जहत में, उस एंगल से भी इस मौजू पर बातचीत की जाए. आपका एक बार फिर शुक्रिया. नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम टॉक शो का वक्त ख़त्म होता है. अगले हफ्ते नए मौजू के साथ आपके खिदमत में फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए तस्लीम इलाही ज़ुल्फ़ी को इजाज़त दीजिए. शुक्रिया. खुदा हाफिज़.